बिसमीम ये जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन uh, और उसके रिलेटेड रिलेटेड सोलूशन हम फाइंड कर रहे हैं उसमें हम एग्जांपल नंबर आप थ्री सॉल्व करेंगे ये है कि फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टू जी इज इक्वल एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर बाई इलिमिनेटिंग आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स अब यहाँ पर एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स एंड ए एंड बी जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनको हमने इलिमिनेट करना है सो so, हेयर z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y सो टेकिंग पार्शियल डेवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे देन वी हैव टू पार्शियल हमारे पास यानी कि जो इक्वेसन है जी इज टू जी इज इक्वल एक्स केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर जब इसे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं देन टू पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स टू एक्स ओवर ए स्केयर चूंकि यहाँ पर y एज ए कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो इसकी इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल एक्स ओवर ए स्की दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह लें और ये सेकेंड इक्वेशन अब हमने फर्स्ट की दोबारा विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वेशन वन का हम आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे देन टू पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू वाई ओवर बी स्केयर तो यहाँ से अब हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इज़ इक्वल वाई ओवर बी स्कीयर तो यहीं से अगर हम आ, बी की वैल्यू निकाल लें वन ओवर बी स्कीयर हमारे पास आ जाएगा वन ओवर वाई पारशियल जी ओवर पारशियल वाई इसी तरह यहाँ से हम चूँकि हमने कॉन्सटेंट सिलिमिनेट करनी है यहीं से हम अगर ए की वैल्यू निकाल लें तो वन ओवर ए स्कीयर आ जाता है हमारे पास वन ओवर एक्स पारशियल जी ओवर पारशियल एक्स तो अब हम ये इक्वेशन वन में जो फर्स्ट इक्वेशन है क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट सीलिमिनेट करने थे यानी ए और बी ए स्केयर एंड बी स्केयर तो अब ए स्केर की वैल्यू और वन ओवर बी स्केयर की वैल्यू इसमें हम वन में पुट कर दें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वन ओवर ए स्केयर एंड वन ओवर बी स्केयर इन इक्वेशन वन जब इक्वेशन वन में हम पुट करते हैं देन वी हैव टू सी इज इक्वल एक्स स्केयर और वन ओवर ए स्केयर की जगह आएगा वन ओवर एक्स पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई स्केयर और वन ओवर बी स्केयर की जगह ये वन ओवर वाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई एक वाई कैंसल इसी तरह ये एक एक्स कैंसल दैन टू जी इज़ इक्वल एक्स पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाय विच इज़ आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन अब हम एग्जाम्पल नंबर फोर देखते हैं अब यहाँ पर एग्जाम्पल फोर है कि हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है z इज़ इक्वल एफ़ ऑफ y ओवर x की y एंड x जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और z इज़ अ फंक्शन ऑफ f है सो so, f इज z इज इक्वल एफ ऑफ y ओवर x। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैन पार्शियल जी ओवर पारशियल एक्स इक्वल एफ डैश वाई ओवर एक्स लेकिन अभी चेन रूल की वजह से अंदर का हमने दोबारा डेरीवेटिव लेना है और चूंकि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो वाई इज ए कॉन्स्टेंट तो इसका हमारे पास डेरेवेटिव जो है अंदर वाले पार्ट का आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स के तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है अगर हम सिर्फ राइट साइड पे यही f डैश ऑफ y ओवर x रखें देन वी हैव एक्स केयर ओवर y एंड विद नेगेटिव साइन पार्शियल c ओवर पार्शियल x इज़ इक्वल f डैश ऑफ y ओवर x दिस इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन दिस वन इज़ सेकेंड अब अगेन हम इक्वेशन नंबर वन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशियट करेंगे नॉर डिफरेंशियटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू वाई सो पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई एफ डैश और वाई ओवर एक्स और चेन रूल की वजह से अगेन वन ओवर एक्स तो यहां से इसको अगर अरेंज किया जाए तो एक्स पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल एफ डैश ऑफ वाई ओवर एक्स दिस इज आर थर्ड इक्वेशन अब इक्वेशन टू एंड थ्री में राइट right साइड दोनों की सेम है सो so इक्वेटिंग

एक्स पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई प्लस एक्स केयर ओवर वाई पार्शियल जी ओवर पारशियल एक्स इज इक्वल जीरो अब अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें देन वी हैव और पूरी इक्वेशन को हम वाई से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई प्लस इस साइड पे सिर्फ एक्स रह जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल जीरो और अगर फर्दर इन्हें हम पी एंड क्यू फॉर्म में लिख लें तो वाई को विद रिस्पेक्ट टू सॉरी जी का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव जो है वो क्यू होता है एंड जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज पी दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन वेयर P is equal partial z over partial x and Q is equal partial z over partial y.